नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर किरण लता डंगवाल, शिक्षा शास्त्र विभाग लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। आज पाठ्यचर्या में व्याप्त भाषा के अंतर्गत आपसे चर्चा का विषय रहेगा लेखन के रूप। हम सभी एक दूसरे से अपने मन के भावों व विचारों को प्रकट करने के लिए विभिन्न वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जो व्यक्ति बोलने की कला में जितना निपुण होता है, उसके वाक्यों का दूसरों पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। बोलने का उत्कृष्ट रूप भाषण या व्याख्यान होता है और इसके लिए अध्ययन और मनन तथा अभ्यास की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर बोलने वाली बातों को लिखकर व्यक्त किया जाए तो लिखना बोलने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति अच्छा बोल तो लेते हैं, लेकिन अच्छा लिखना उनके लिए उतना सहज नहीं होता है। लिखने में कुशलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन, निरीक्षण, भ्रमण, मनन तथा अभ्यास की महती आवश्यकता होती है। लेखक अपने प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए विभिन्न रूपों को चुनता है और चयन इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या संदेश देना चाहता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर द्वारा इसे और भी अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे कि लेखन का कार्य क्यों किया जा रहा है, क्या यह मनोरंजन के लिए है, क्या यह पाठकों को सूचित करने के लिए है, क्या यह किसी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए है, या क्या पाठकों को किसी की बातों को स्वीकार करने के लिए राजी करना है। इन प्रश्नों के उत्तर लेखक के उस प्रकार के विकल्पों को प्रभावित करते हैं जो वह अपनाता है। इसका तात्पर्य है कि लेखक को अपने प्रयोजन को व्यक्त करने के लिए सही प्रकार का चयन करना चाहिए। विद्यार्थी को जो कुछ पढ़ाया जाता है या उसे जो भी ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान का भली भांति आत्मीकरण करने के लिए, उसका कुशलता पूर्वक उपयोग करने की क्षमता का विकास करने, उसकी जांच करने अथवा प्राप्त ज्ञान के विषय में उसकी अभिव्यक्ति का विकास करके, उसके विकास का मूल्यांकन करने, उसमें मौलिकता की शक्ति का विकास करने, मौलिकता की योग्यता की गति व दिशा का मूल्यांकन करने हेतु जो कार्य विद्यार्थी को दिया जाता है, उसे ही लिखित कार्य कहा जाता है। अधिकतर अकादमिक उपलब्धि की सफलता लिखने की योग्यता पर ही निर्भर करता है, क्योंकि जो विद्यार्थी जिस प्रकार से लिखता है वही अपने आप को परीक्षा में उचित प्रकार से प्रस्तुत कर सकता है। एक अध्यापक को लिखने की शिक्षा ठीक उसी प्रकार से देनी चाहिए जैसे कि वह बोलने की शिक्षा देता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी विद्यालय में आता है तब तक वह नए नए वाक्य बनाना सीख चुका होता है और उन वाक्यों का क्रमबद्ध उपयोग करने में विद्यार्थी विद्यालय में ही पारंगत होता है। लेखन कौशल का अभिप्राय। भाषा एक कौशल है और इस कौशल पर पूर्ण अधिकार पाने के लिए विद्यार्थियों में सुनने, बोलने, पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास करना आवश्यक है, क्योंकि भाषा का प्रयोग दो प्रकार से होता है, मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप पर अधिकार करने के लिए सुनना और बोलना और लिखित रूप पर अधिकार करने के लिए पढ़ना और लिखने की आवश्यकता होती है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशलों को विकसित कर व्यक्ति जिन ध्वनियों का प्रयोग विचारों को अभिव्यक्ति के लिए करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उन्हीं ध्वनियों को जिन विशिष्ट चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे कि हिंदी के लिए देवनागरी लिपि होती है और रोमन अंग्रेजी भाषा की लिपि है। सामान्य रूप से लिखकर विचारों की अभिव्यक्ति करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भाषा के लिखित रूप में प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। लिपि की शिक्षा की आवश्यकता
विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करने के लिए आवश्यक है। जिस तरह ध्वनियों के पूर्ण ज्ञान के बिना शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता एवं मौखिक अभिव्यक्ति में पूर्णता नहीं आ सकती, उसी प्रकार से लिपि के ज्ञान के बिना विद्यार्थी न तो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग कर सकते हैं और न ही विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। जब तक विद्यार्थी को लिखना पढ़ना नहीं आता, तब तक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार नहीं हो सकता। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने एवं अभिव्यक्ति कौशल को पूरी तरह से विकसित करने के लिए विद्यार्थी को लिपि का पूर्ण ज्ञान देना अति आवश्यक है। तो आइए अब लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। लिखित भाषा विद्यार्थी के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है। लिखित भाषा ही साहित्य भंडार में वृद्धि करती है और यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहाँ से आता? यदि लेखन कौशल न होता तो नई नई रचनाएं भी कहाँ से आती? लेखन कौशल के द्वारा ही विद्यार्थी की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन भी लिखित भाषा ही है। व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा ही है। अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है। लिखकर हम अपने विचारों को वर्षों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं। जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति से ही काम नहीं चल सकता है। दूर रहने वाले मित्र या संबंधी को अपना संदेश देने, एक दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुँचाने के लिए भी लिखित भाषा की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन का विवरण रखने आदि व्यवहारिक कार्यों हेतु लिखित भाषा अति आवश्यक होती है। शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करके प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार तैयार करने, गृह कार्य करने आदि में भी लेखन कौशल अति आवश्यक होता है। हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुँचाया है। इस प्रकार हमारी संस्कृति आगे बढ़ाने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के ही माध्यम से हस्तांतरित होती है। लिखने की प्रक्रिया। भाषा सिखाने का एक स्वाभाविक क्रम होता है, सुनना, बोलना और लिखना। भाषा की शिक्षा देने के लिए प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में इन सभी कौशलों को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि इसके लिखने की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी होती हैं। लिखने की प्रक्रिया की पहली अवस्था, बच्चों को पहले मौखिक भाषा की शिक्षा दी जाती है, उसके पश्चात पढ़ना सिखाया जाता है और उसके तुरंत पश्चात लेखन कौशल का शिक्षण प्रारंभ किया जाता है। जैसे ही बच्चे अक्षरों का उच्चारण कर उसके लिपि रूप को पहचानने लगते हैं, वैसे ही इन अक्षरों को लिपि रूपों में लिखना सीखना भी शुरू कर दिया जाता है। यह कार्य तभी शुरू किया जाना चाहिए जब बच्चों की उंगलियां कलम पकड़ने में अभ्यस्त हो जाएं। लेखन कौशल को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि लिखना शुरू करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चा लिखने के लिए तैयार है या नहीं। लिखने की प्रक्रिया की दूसरी अवस्था है वर्णों की रचना सीखना। लेखन कौशल की यह दूसरी अवस्था है। जब बच्चा लिखना सीखने को तैयार हो तो उसे विधिवत रूप से वर्णमाला के सभी वर्णों को लिखना सिखाना चाहिए। वर्णों को लिखना सिखाने की कई विधियां होती हैं, जैसे कि चित्र विधि, मोंटेसरी विधि, अनुसरण विधि, रेखा विधि या पेस्टोलॉजी की रचनात्मक विधि। तीसरी अवस्था के अंतर्गत शब्दों तथा वाक्यों की रचना की शिक्षा दी जाती है। वर्णों की रचना सीख लेने के पश्चात बच्चे वर्ण मिलाकर शब्द बनाना और उसके पश्चात वाक्य लिखना सीखते हैं। इस समय बच्चों को लिखने से संबंधित आदतें विकसित हो जाती हैं और वे आगे भी चलती रहती हैं। अतः इस समय बच्चे को सुंदर,
सुडौल और स्पष्ट रूप से लिखने का अभ्यास कराना चाहिए और इसके लिए कुछ विधियों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सुलेख लिखने का अभ्यास कराना, अनुलिपि अर्थात जैसा लिखा है वैसा ही लिखना, प्रतिलिपि अर्थात छपी हुई पुस्तक में से देखकर गद्यांश को लिखना, श्रुति लिपि अर्थात श्रुति लिपि में बिना देखे सिर्फ सुनकर लिखना और इसमें अध्यापक बोलते जाते हैं और विद्यार्थी सिर्फ सुनकर ही शब्दों को लिखते हैं, इससे विद्यार्थियों का सुनकर लिखने का अभ्यास होता है। लिखने की प्रक्रिया की चौथी अवस्था, लेखन अभ्यास करना। लेखन अभ्यास का यह चतुर्थ व आखिरी चरण है। अब तक बच्चों को देखकर व सुनकर सुंदर लेख की सहायता से सहबत एवं वाक्य लिखने का अभ्यास हो जाता है। अब बच्चों को अपने भावों व विचारों को तार्किक क्रम में व्याकरण के अनुसार भाषा का प्रयत्न करते हुए लिखने का अभ्यास करना होता है, जिससे उनमें लेखन कौशल पूरी तरह से विकसित हो सके। इसके लिए कक्षा में समय समय पर लिखित कार्य कराते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। प्रत्येक रूप में लेखन एक अद्वितीय संरचना होती है और उनके मध्य के अंतर को जानना महत्वपूर्ण होता है। तो आइए लेखन के विभिन्न रूपों की चर्चा करते। सर्वप्रथम वर्णनात्मक लेखन। वर्णनात्मक लेखन में उपयुक्त विवरणों का उपयोग करके लोगों, स्थानों, वस्तुओं या घटनाओं का विवरण किया जाता है। एक प्रभावी विवरण में पर्याप्त व विविध विवरण होते हैं जो आम तौर पर संवेदी होते हैं और यह वर्णन करने के लिए चुने जाते हैं कि लेखक क्या देखता है, क्या सुनता है, क्या सूंघता है, क्या स्पर्श करता है और क्या स्वाद लेता है। ये पाठकों के मन में एक तस्वीर चित्रित करते हैं जिससे वे दृश्य प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। बनाए गए शब्द चित्र लिखने को अधिक रोचक, समझने में आसान करते हैं और लेखक द्वारा वर्णित विषय का समर्थन करता है। इन विवरणों का उपयोग भावनाओं के चित्रों को भी चित्रित करता है। तार्किक लेखन। तार्किक से तात्पर्य किसी चीज को समझने या स्पष्ट करने की क्रिया से है। तार्किक लेखन में लेखक का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्णन करने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह मुख्य रूप से तथ्यों के विचार या विश्वास व्याख्या करने के लिए होता है। इस प्रकार का लेखन भाषा के उद्देश्य, अभिकल्प और कार्य के संदर्भ में अलग अलग होते हैं। कथा लेखन। कथा लेखन घटनाओं के अनुक्रम का एक कालानुक्रमिक क्रम है। यह लघु कथाओं और नाटकों के अतिरिक्त व्यक्तिगत निबंध, जीवन रेखा चित्र और आत्मकथा सहित विभिन्न रूपों में होते हैं। इस प्रकार का लेखन अधिकांशतया वैज्ञानिक और तकनीकी लेखन के उद्देश्य से भी किया जा सकता है। इसका उपयोग अत्यधिक कल्पनाशील वैज्ञानिकों, विद्वानों और इतिहासकारों के द्वारा किया जाता है। कई इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हैं और अतीत को पाठकों के लाभ के लिए वर्तमान में लेकर आते हैं। लेखन के इस रूप को अपनाते हुए लेखक अपने विषय को जीवंत बनाने का प्रयास करते हैं। प्रेरक लेखन। इस प्रकार का लेखन पाठक को अपनी राय बदलने और उन्हें तर्क, नैतिक अपील और भावनात्मक भाषा के साथ अभिभूत करने का प्रयास करने के विषय में होता है। लेखक एक तर्क देता है और फिर लेखक के दृष्टिकोण से पाठकों को समझाने का प्रयास करता है। इसमें पाठकों को एक क्रिया करने के लिए आश्वस्त करना भी सम्मिलित होता है। तर्कपूर्ण लेखन। एक तर्क के दो प्रमुख भाग होते हैं। पहला कि एक दावा या इसे एक विचार या दृष्टिकोण भी कह सकते हैं। दूसरा समर्थन और सबूत, यानी उसके तथ्य, डेटा और उदाहरण। एक तर्क के लिए स्वीकार्य होने के लिए दावे को सबूत के साथ समर्थन दिया जाता है।
तर्कपूर्ण लेखन किसी विषय पर प्रशंसनीय राय प्रदान करने, तथ्यों पर चर्चा करने के लिए होता है। तर्कपूर्ण लेखन को जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों से परामर्श करना चाहिए और तथ्यों के विभिन्न पक्षों के विषय में उसे जानकारी भी होनी चाहिए। पाठकों को यह समझाने के लिए कि उन्हें प्रेरक भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है कि लेखक के विचार ही सबसे प्रशंसनीय है। इसके अतिरिक्त प्रदर्शन आधारित लेखन, सभी विषयों के शिक्षकों को अपने पाठ्यक्रमों में लेखन को प्रोत्साहित करना चाहिए। लेखन आंतरिक रूप से दो मौलिक प्रक्रियाओं, सोच और संचार के साथ जुड़ा हुआ होता है। विद्यार्थियों को अकादमिक पाठ्यक्रमों के सामग्री के विषय में दिखने की आवश्यकता उन्हें निष्क्रिय याद या पाठ्य पुस्तकों को रेखांकित करने के बजाय सक्रिय तरीके से सामग्री के विषय में सोचने का एक प्रकार होता है। एक प्रक्रिया के रूप में लेखन को देखने से विचारों को विकसित करने में सहायता मिलती है और हम जो सोचते हैं उसे खोजने में सक्षम होते हैं। लेखन आंतरिक रूप से दो मौलिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, सोच और संवाद। सक्रिय आलोचनात्मक सोच के लिए उच्च स्तरीय बौद्धिक कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे अवधारणाओं की समझ, सूचना का विश्लेषण, साक्ष्य का मूल्यांकन और निर्माण और परिकल्पना का परीक्षण। यदि शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने पाठ्यक्रम की सामग्री के विषय में सोचें, तो विद्यार्थियों को लिखने के अवसर दिए जाने चाहिए। जब विचारों को लिखा जाता है तो विचारों की जांच की जाती है, पुनर्विचार किया जाता है, जोड़ा जाता है, पुनर्व्यवस्थित किया जाता है और फिर उनका रूप परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार से लेखन एक संपूर्ण प्रक्रिया के रूप में चलता है। आपसे अपेक्षा है कि इस वीडियो को देखने के पश्चात आप लेखन के विभिन्न रूपों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। डॉक्टर किरण लता डंगवाल।